दोस्तों आज जो इमरान खान ने पाकिस्तानी सियासत को बदला है वो शायद पिछले 75 सालों में कोई नहीं कर सका। ये कहानी भी पाकिस्तान बनने के बाद कैसे शुरू हुई, बूट कैसे चाटे जाते रहे, हुक्म कैसे माने जाते रहे हैं और कैसे अब इमरान खान ने सब कुछ ही बदल डाला। ये 11 अगस्त 1955 की बात है कि हुसैन शहीद सहरवर्दी बार बार सिकंदर मिर्ज़ा के दफ्तर फ़ोन करके पूछ रहे थे कि इनकी बतौर वज़ीर आज़म हल बर्दारी की तकरीब का वक्त क्या होगा। गवर्नर जनरल का स्टाफ कभी तो इसको कहता था कि सर हम पता कर रहे हैं। आखिरकार इन्होंने गवर्नर जनरल के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुदरतुल्ला शहाब से कहा कि वज़ीर आज़म की हल बर्दारी का वक्त मालूम करें। कुदरतुल्ला शहाब ये पैगाम लेकर सिकंदर मिर्ज़ा के पास चले गए और ये पैगाम मनोअन उनको पहुंचा दिया। सिकंदर मिर्ज़ा इस पर गवर्नर जनरल ने एक ज़ोरदार कहका लगाया और शहाना अंदाज में कहा कि मेरी तरफ से इनको बता दो कि वज़ीर आज़म के हल बर्दारी की तकरीब कल शाम होगी और वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली होंगे। कुदरतुल्ला शहाब ने वैसे ही पैगाम वापस पहुंचा दिया। सहरवर्दी ने एक आह भर कर कहा कि फिर वही मोहल्लाती साजिशें और फ़ोन बंद कर दिया। जैसा इन्हें बताया गया था वही हुआ। चौधरी मोहम्मद अली वज़ीर आज़म बन गए और इनकी हुकूमत सिर्फ 13 महीने चल सकी, फिर सहरवर्दी वज़ीर आज़म बन गए। बोगरा ने सहरवर्दी ने बुरा नहीं मनाया और फिर जब सहरवर्दी की जगह आई चंद्रीगढ़ आ गए तो इन्होंने भी बुरा नहीं मनाया। नाज़रीन पाकिस्तान की सियासत इस वक्त भी उतनी ही बुरी थी जितनी आज है। 90 की दहाई में भी ऐसा ही चलता रहा था। यही हुआ और हाल ही में मिलते जुलते तरीकों से हमारी आंखों के सामने इमरान खान को निकाल बाहर कर दिया गया। इमरान खान भी चौधरी मोहम्मद अली की तरह खामोश हो जाते या आई चंद्रीगढ़ की तरह कर लेते या नवाज शरीफ की तरह सऊदी या लंदन चले जाते तो कुछ नहीं होता, लेकिन इमरान खान ने इन में से कोई ऐसा काम नहीं किया। नाहल हो जाने के खदशे के बावजूद खामोश नहीं हो रहे, कभी जलसा करते हैं और जुलूस निकालते हैं। इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज़ बात है कि पूरी ईमानदारी से एतराफ़ कर लेते हैं कि इनको ISI मौजूदा हुकूमत के बदअनवानियों के बारे में बताती रही हैं और वो ये भी बताते हैं कि जब तक वो हुकूमत में रहे इन्हें फ़ौज की मदद हासिल रही। वो एक तरफ आवाम की तरफ जाते हैं और दूसरी तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट को कहते हैं कि अपनी गलती दुरुस्त कर लें। वो आवाम के सामने इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुक और ताल्लुक की खराबी नहीं छुपाते। इसकी वजह यह है कि इदारे भी अहम होते हैं जैसे हुकूमत अहम होती है। एक वक्त था कि एक को करप्ट बनाया जाता तो दूसरा ईमानदार बन जाता और दूसरे को करप्ट बनाया जाता तो दूसरा ईमानदार बन जाता, लेकिन इमरान खान पहले वालों से हट कर हैं। करप्शन के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट वाकई जो कह रही थी, लेकिन फिर इन लोगों को इक्तदार में क्यों लाया गया जिनकी करप्शन पर इस्टेब्लिशमेंट को खुद एतराज़ था, लेकिन इस सवाल का जवाब इस्टेब्लिशमेंट के पास नहीं था। PDM की हुकूमत के तश्कील से इन्हें अब पता चला है कि पाकिस्तान के किसी भी इदारे के लिए करप्शन कोई मसला नहीं है। इनकी तरफ से इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहे गए अल्फाज मानी रखते हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि 2008 से लेकर ISI ने पीपल्स पार्टी और नून लीग की करप्शन का बताया, लेकिन इन्हें इनके खिलाफ कार्रवाई करने से रोक दिया गया। लेकिन फिर इमरान खान ने समझ लिया कि यह सब गोरख धंधा है। इन अहम तीन शख्सियात को इनकी करप्शन से कोई सरोकार नहीं, ये अपने मुफादात के तहत चलते हैं। जो बात इमरान खान को नागवार गुजरी, इनके सालों की मेहनत इस सिस्टम को ठीक करने और पाकिस्तान का वकार बनाने के लिए थी। ऐसा पहले कभी नहीं होता था। बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत करप्शन पर ख़त्म की गई, लेकिन नवाज शरीफ आ गए, फिर करप्शन पर नवाज शरीफ की हुकूमत भी ऐसे ही गई। ये ही होता रहा, यहाँ तक कि एक वक्त आया कि दोनों जो एक दूसरे को बदअनवान कहते थे इन्होंने मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करके करप्शन के वजूद से इनकार कर डाला। कानून की एक इस्तलाह है स्टॉपर, इसका मतलब है कि कोई शख्स भी एक मौकिफ इख्तियार करे इससे पीछे नहीं हट सकता। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट पर स्टाकिल कर दिया। वो बार बार बता रहे हैं कि भाई मैं पीछे नहीं हट सकता। पाकिस्तान के सियासत में कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अवाम और इस्टेब्लिशमेंट यानी कि इदारे मिलकर इस मुल्क को लेकर चलें, ये करप्शन का खेल ख़त्म करें। इनके मुखालफिन इस्टेब्लिशमेंट के साथ हैं, लेकिन वो बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। वो अवाम और इस्टेब्लिशमेंट यानी कि दोनों को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अवाम और इस्टेब्लिशमेंट मिलकर इस मुल्क को लेकर चलें। किसी भी मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट 4 बुनियादी अनासर का मुरक्कब होती है और ये 4 अनासर सिविल, ब्यूरोक्रेसी, अदलिया, फौज और बड़े बड़े इदारे। पाकिस्तानी तनाज़ में चूंकि फौज इस्टेब्लिशमेंट का ताकतवर तरीन इदारा है, पाकिस्तान में सियासी जमातों के मामलों को सिविल मिलिट्री ताल्लुकात सवाल बन जाते हैं। ये मामला हर बार टूट जाता है। इमरान खान अब इस हसास मामले को अवाम में ले आए हैं। आइंदा चंद दिनों में होने वाले ज़िमनी इलेक्शन हों या कुछ अरसे बाद वाले आम इंतखाबात, तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इस मामले पर अवाम को कायल कर रहे हैं
17 जुलाई को होने वाले पंजाब के ज़मीनी इंतखाबात के नतायज देख कर अंदाज़ा किया जा चुका है और आवाम ने इनका मौकिफ तस्लीम कर लिया है। अब इस्टेब्लिशमेंट के हर अंसर को सोचना होगा कि अब इनके लिए बंद कमरों में मामला तय करना मुश्किल होने वाला है। ये नाजुक मामला बहरहाल आवाम की मदद से इलेक्शन में तय करना होगा। इलेक्शन कमीशन के जरिए नहीं, दूसरों के लिए पिछले 75 साल के दायरे का सफर था। इमरान खान ने नाक की लकीर तक सीधा कर दिया। दायरे में आगे की तरफ सफर नहीं होता, लेकिन लकीरें हमेशा आगे बढ़ती दिखाई देती हैं और ये लकीर अब पाकिस्तान की कामयाबी की जमानत बनेगी। नाज़रीन इकराम, मामला बड़ा इस किस्म का है और चंद घंटे ही APTI के वर्कर सौंप पाए हैं। इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही थी और बहुत झूठ फैलाया गया और बहुत झूठ बोला गया। इमरान खान गिरफ्तार के खौफ से भाग कर चले गए। देखिए, अगर गिरफ्तारी की बात आती है तो आपने अडेला जेल से भी शहबाज गिल को उठा लिया था तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो इमरान खान KP से गिरफ्तार हो सकते हैं। गिरफ्तारी का स्क्रिप्ट लिखने वाले इन्होंने हथियार डाल दिए हैं। ये हुआ ऐसे है कि अवाम ने एक नई तारीख रकम कर दी है। एक बार नवाज शरीफ ने कहा था कि कदम उठाया था लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। भुट्टो को जब फांसी दी गई तो 4 अफराद भी नहीं निकल सके, कोई रद्दमल नहीं आया था। लेकिन ये पहला मौका है, अभी भी लोग बनीगाला के बाहर मौजूद हैं और वो अपने लीडर के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान की सियासत में इससे पहले किसी ने नहीं देखा। लोग ऐसा रद्दमल नहीं दिया, जलसों और रैलियों में आते हैं लेकिन जब गिरफ्तारी की कोशिश होती है तो लोग आगे नहीं आते। लेकिन PTI लीडर का करिश्मा है। PTI के कारकुन कह रहे हैं कि लीडर की गिरफ्तारी रेड लाइन है। रात बताया गया था कि IG को वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, यानी कि मंजूरी दी जा चुकी है। लेकिन अब आप अंदाज़ा करें कि खबर चलवाई गई कि जरदारी इस मुखालफत में है, लेकिन अब यह खबर है कि वजारत दाखिला यानी कि राना सनाला की वजारत ने भी इमरान खान पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर रही। हिम्मत हो कैसे, सारी तड़ियां खत्म हो गई। अब लोग कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार करके दिखाएं। तक एक कदम उठाया था लेकिन मेरे पीछे कोई नहीं था। भुट्टो को जब फांसी दी गई तो 4 अफराद भी नहीं निकल सके, कोई रद्दमल नहीं आया था। लेकिन ये पहला मौका है, अभी भी लोग बनीगाला के बाहर मौजूद हैं और वो अपने लीडर के लिए वहाँ पहुँच रहे हैं। ऐसा पाकिस्तान की सियासत में इससे पहले किसी ने नहीं देखा। लोग ऐसा रद्दमल नहीं दिया, जलसों और रैलियों में आते हैं लेकिन जब गिरफ्तारी की कोशिश होती है तो लोग आगे नहीं आते। लेकिन PTI लीडर का करिश्मा है। PTI के कारकुन कह रहे हैं कि लीडर की गिरफ्तारी रेड लाइन है। रात बताया गया था कि IG को वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, यानी कि मंजूरी दी जा चुकी है। लेकिन अब आप अंदाज़ा करें कि खबर चलवाई गई कि जरदारी इस मुखालफत में है, लेकिन अब यह खबर है कि वजारत दाखिला यानी कि राना सनाला की वजारत ने भी इमरान खान पर हाथ डालने की हिम्मत नहीं कर रही। हिम्मत हो कैसे, सारी तड़ियां खत्म हो गई। अब लोग कह रहे हैं कि इनको गिरफ्तार करके दिखाएं।